चलिए बात करते हैं सुल्तानी अखाड़ा की और किसके बीच में हुई फाइट और कौन जीता कौन हारा इस सुल्तानी अखाड़ा में, चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में। हेलो एंड हाय एवरीवन, दिस इज केशवी एंड वेलकम टू आवर चैनल। जी हाँ, सुल्तानी अखाड़ा हुआ है सिम्बा नागपाल और उमर रियाज के बीच में और विनर सुन के थोड़ा सा शॉक्ड आप हो सकते हैं क्योंकि सिम्बा जो है वो विनर बन गए हैं वोकल के भी और फिजिकल के भी। यानी कि वोकल फाइट में सिम्बा नागपाल के साथ में सारे घर वाले सहमत होते हुए नजर आए, जहां सिम्बा ने उमर रियाज के बारे में कहा था कि जब टास्क चलता है तो उमर काफी ज्यादा फिजिकल हो जाते हैं फाइट्स में, जो कि गलत है और इसी का सपोर्ट किया है सारे घर वालों ने। वेल, जब आई फिजिकल फाइट की बारी तब भी उमर को पछाड़ दिया है सिम्बा ने, यानी कि उन्हें गिरा दिया है और काफी बढ़िया तरीके से सिम्बा को जीत हासिल हुई है। वेल, मैं आपको बता दूं कि सिम्बा अभी तक काफी ज्यादा शांत थे लेकिन अब गेम में थोड़ा बहुत जो है अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। वही इस वीकेंड उनका जो रिपोर्ट कार्ड है वो भी अच्छा ही आया है, यानी कि ना ज्यादा खराब है और ना ही ज्यादा अच्छा है, मीडियम है। वेल, यहाँ पर अब मैं आपको ये भी बता दूं कि ये दोनों ही नॉमिनेटेड सदस्य थे लेकिन इस वीक इविक्शन नहीं हुआ है, कोई भी घर से बेघर नहीं हुआ है, तो सिम्बा भी बच गए हैं, उमर रियाज भी बच गए हैं। चांसेस थे सिम्बा के बाहर जाने के लेकिन सलमान खान ने अनाउंस कर दिया कि इस वीक नो इविक्शन वीक है, यानी कि कोई भी घर से बेघर नहीं होगा। वेल, आपकी क्या रिएक्शन है इसको लेकर कॉमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। बिग बॉस से रिलेटेड तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, यानी हमारे चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।